हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12.63 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 12.13 रुपये, मिट्टी का तेल 10.19 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ। वफाकी काबीना ने मामले को संगीन गलती करार दिया। तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी कायम। कमेटी इमरान खान, आज़म खान और साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का तायुन करेगी। वफाकी काबीना ने रेकॉर्ड एक्ट केस पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत कानून की तरफ से सदर के जरिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का 2 अक्टूबर से कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने खुशखबरी सुना दी। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। जिला मानसेरा में एक और मरीज जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 415 अफराद मुतासर। 240 अफराद का ताल्लुक पेशावर से है। बरवक्त स्प्रे ना होने पर रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 88 मरीजों में डेंगू की तस्दीक।